हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड फोकस ऑन योर स्टडी। सो बेसिकली हम बात करेंगे आज के जो नोटिफिकेशन है वो है CMA, जो स्टूडेंट हैं उनके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उन्हीं के लिए है। सो इसमें जो है थोड़ा ये पुराना रहेगा नोटिफिकेशन, बट ये बताना जरूरी था। सो व्हेन आई गॉट द अपडेट, सो आई थॉट टू मेड अ वीडियो फॉर यू। ठीक है, सो इसको पूरा समझना है क्या है कैसा है। सो लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट है। अगर आपको पता है कि आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है आपके CMA फाइनल जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, जैसे इंस्टीट्यूट ने बताया है कि आपको जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है जो आपको फाइनल एग्जाम से पहले करनी होती है वो एग्जम्प्ट होगी है जून 2021 के लिए। ठीक है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के भी बताता हूँ कि एज डिसाइडेड इन द काउंसिल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड बिफोर अपेयरिंग CMA फाइनल एग्जामिनेशन बोथ और रिमेनिंग ग्रुप। ओके, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ और रिमेनिंग ग्रुप, वट एवर द ग्रुप्स आर रिमेनिंग टू यू, इज हियर बाई एग्जम्प्ट ओनली फॉर जून 2021 टर्म्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू ऑफ COVID-19 पैनडेमिक सिचुएशन। ठीक है, सो ड्यू टू पैनडेमिक सिचुएशन ड्यू टू दिस COVID-19 इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू एग्जम्प्ट दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड विच इज मैंडेटरी टू कंप्लीट बिफोर गिविंग योर फाइनल एग्जाम। ओके, एंड इंस्टीट्यूट ऑल्सो मेंशन दैट दिस इज ओनली फॉर वन टाइम फॉर जून 2021। फॉर इंस्टीट्यूट हैज गिवन द ऑप्शन यू नो फॉर द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट ने जो है केवल जून 2021 के लिए ये ऑप्शन दिया है कि जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जो CMA के स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है जून, जो आपका फाइनल एग्जाम है उससे पहले। ठीक है, जब मतलब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तभी आप अपना फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, ये गाइडलाइंस थी। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एग्जाम किया है कि अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जून जो 21 वाला एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो जो है बेसिकली उसके लिए वो एग्जाम हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकेस अगर एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि एग्जाम होगा नहीं होगा, अब मैं यहाँ पे तीनों इंस्टीट्यूट की मैं बात करूंगा। देखिए CS, CA एंड CMA। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले CMA इंस्टीट्यूट के जो है एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके बाद CA के बारी आ रही है, उसके बाद CS की बारी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो CS वालों को तो कोई दिक्कत, कोई भी यू नो घबराने वाली बात नहीं है कि पोस्टपोन होगा या फिर ये जो है ऑप्ट आउट का ऑप्शन आएगा, कैंसिल होगा या फिर CA। ठीक है, इन दो इंस्टीट्यूट को जो है पहले घबराने, जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो CMA स्टूडेंट CMA है जो इंस्टीट्यूट है उनको पहले या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताई है भाई, आप अपनी प्रैक्टिस आप अपने तैयारी करते रहिएगा, आपकी तैयारी कहीं नहीं जाएगी, आपका जो पढ़ाई लिखा रहता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर नॉर्मल स्टडी। जैसा आप नॉर्मल स्टडी करते हैं, जैसा आप आपका डेली रूटीन करते हैं, ठीक है, मानता हूं कि जब एग्जाम करीब आते हैं तब ज्यादा जो है फोकस आता है, इंटेंशन आता है, टेंस आता है घर वालों की ओर से, खुद की ओर से जो है कि हाउ विल आई परफॉर्म। ठीक है, बट मेरा कहना यह है कि आप उस प्रेशर को मत लीजिएगा, यू जस्ट स्टडी एज यूजुअल। ठीक है, जब आप नॉर्मल अपना शेड्यूल फिलअप करते हैं, अपना शेड्यूल अगर आपने बनाया है उस शेड्यूल के हिसाब से जो है अगर आप स्टडी करते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कोरोना, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई अदर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी मुझे मेरी ओर से एडवाइस यही रहेगा, जस्ट कंटिन्यू योर स्टडी एज यूजुअल। जैसे आप पर डे में बिफोर गिविंग योर एग्जाम, एग्जाम देने से पहले जैसे आप नॉर्मल स्टडी करते हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट स्टडी। ठीक है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट टेंस, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बताने के लिए थोड़ा ऐड करने वाला था, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा इसी में मैं ऐड कर लूं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है आइदर CMA की ओर से, आइदर CA की ओर से, आइदर CS की ओर से, किसी भी इंस्टीट्यूट की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, सो आई जस्ट इन्फॉर्म यू। सो प्लीज बी ऑन एक्टिव ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जो भी आपको करना है, आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर करिएगा, अदर स्टूडेंट को भी बताइएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अगर कोई भी एक्शन लेना होगा तो सबसे पहले CMA लेगा, उसके बाद CA लेगा और उसके बाद CS लेगा।
ठीक है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड बी एज नेचुरल। आप अपने घर में है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ, अभी अगर हम कोरोना की बात करें, सो कोरोना में यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर रिलेटिव, ठीक है, यू डोंट नीड टू गो आउट, ठीक है। तो अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो जस्ट फॉलो वन ऑफ द रूटीन एंड कंटिन्यू स्टडी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, घर में रहिए। इससे पहले हम सब ने जो है लॉकडाउन झेला है, ठीक है, सो इस टाइम पे जो है इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल जो है हैंग आउट कर सकते हैं, ठीक है, जहां जहां भी जो है ये सिचुएशन है, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जो है प्रॉपर लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में हो गया और अदर राज्यों में हो गया, लॉकडाउन लग गया, नॉट फॉर दोज स्टूडेंट, बट ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर आवर सेल्फ, ठीक है। सो ऐसे कोई भी जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स, बी फोकस, फाड़ दो, ठीक है, जब भी एग्जाम होगा डू इट भाई, कि हमारे पास मौका है, ये सोच के चलो कि अगर इन केस अगर कैंसिल होता है या फिर पोस्टपोन होता है, सो डू नॉट टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि यस मेरे पास एक और मौका मिला है, मैं फोड़ दूंगा, आइदर चाहे CS हो, CA है, CMA है, चाहे आप दोनों दो इंस्टीट्यूट के एग्जाम एक साथ दे रहे हैं, डू इट एज वेल, पेपर कभी भी हो जस्ट फोकस, ठीक है, कोई भी जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप प्रिपेयर रहिएगा कि चाहे आइदर कैंसिल हो, चाहे आप पोस्टपोन हो, चाहे ऑप्ट आउट का ऑप्शन आएगा, एनी सिचुएशन वुड बी देयर, यू शुड प्रिपेयर, ठीक है। और ये यूट्यूब पे आना छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे आना छोड़ दो, यूट्यूब पे आपको दुनिया भर की वीडियो मिलेंगी, ठीक है, टाइटल थंबनेल देख करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे व्यू आते हैं, मैं इसीलिए ही कुछ कभी कभी जो है ऐसे टाइटल रख लेता हूँ, थंबनेल रख देता हूँ, कि मैं चेक करना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो पता चलता है कि अब वो नहीं है, अरे बस टेंशन दिमाग में है, ये वीडियो बता दो, मोटिवेशनल वीडियो बता दो, कोई लेक्चर का वीडियो बता दो, इससे नहीं होने वाला है, नॉर्मल स्टडी कर लीजिएगा। हमारे टाइम पे जब मैं था भाई, हमारे टाइम पे कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी, ठीक है, जब मैंने ग्रेजुएशन में था तब जाके मेरे पास फोन आया था, ठीक है, सो तब जाके फोन आया था, तो भाई हमने भी 12 पास किए है, हमने भी स्टडी की है, ठीक है, सो ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, CA आप कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, सो इट्स सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली CMA के लिए अपडेट, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।